हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग गुड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडेज न्यूज एडिशन हमारी आज की पहली न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कल पार्लियामेंट का सेकंड लास्ट डे था और लोकसभा में गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर देती है इस टॉपिक को हम इस एडिशन के मिड पार्ट में एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन और इससे रिलेटेड और मेजर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स जैसे कि स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट के बाकी और मोशंस स्पीकर के वेरियस रोल्स वगैरह आई होप आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से पढ़ लेंगे ये न्यूज भी है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस और इसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है इस साल मार्च में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का एक मेजर वर्ड जिसमें उन्होंने बोला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और अब तक जो इनके अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको चेंज किया जाए पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को सिर्फ गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट किया जाता था इस वन साइडेड अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज किया जाए और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को तीन मेंबर का एक पैनल रिकमेंड करेगा और इस पैनल में मेंबर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन अब तक जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी से इनको अपॉइंट किया जाता था अब वहां पर अपोजिशन और जुडिशियरी की भी राय ली जाएगी और इस स्टेप से और और इंटीग्रिटी वाले इंटीग्रिटीसर सेलेक्ट होंगे मार्च 2023 के इस मेजर तेईस के बाद कल राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जो इस तीन मेंबर पैनल की कॉम्पोजिशन को चेंज करता है अब चीफ जस्टिस इंडिया को रिप्लेस किया गया है एक यूनियन मिनिस्टर से यानी कि इस अपॉइंटमेंट पैनल में अब प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट से एक मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे क्रिटिक्स का बोलना है कि ऐसा करने से इस पैनल में गवर्नमेंट की अब मेजोरिटी हो गई है और वो अपनी मर्जी से अब किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं अब ये एक मेजर टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोविजंस, इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग के रिफॉर्म से रिलेटेड मेजर कमिटीज के रिकमेंडेशन और बाकी और रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में मिल जाएंगे ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए ये न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आई होप आपको पता होगा इंडिया में 2018 से खुद का एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ऑपरेट कर रहा है इसका नाम है नैव आई और इसके लिए सात सेटेलाइट स्पेस में डेडिकेटेड हैं। इन सिंपल वर्ड्स जीपीएस जिसको मेजोरिटी ऑफ पीपल यूज करते हैं उसको यूएस की गवर्नमेंट ओन करती है और नैव आईसी इंडियन वर्जन है जीपीएस का और नैब आईसी पर प्रलिमिनरी में पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है तो नैव आईसी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि अब से आधार एनरोलमेंट प्रोसेस में जब भी लोकेशन डिटेल्स की जरूरत होंगी तो उसमें नैब आईसी को यूज किया जाएगा इससे फंक्शनली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी लोकेशन कोऑर्डिनेट चाहे वो किसी भी सैटेलाइट सिस्टम से लोकेट किया जाए हमेशा सेम रहता है पर इस स्टेप का मेन मोटिव है गवर्नमेंट गोसे में डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना और आई होप आप इस इवेंट से रिलेट कर पाए अभी रिसेंट गवर्नमेंट का डिसीजन जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था कि वो विंडोज बेस्ड सिस्टम्स को रिप्लेस कर रहे हैं मेड इन इंडिया लाइनक्स बेस्ड माया ओएस से न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में अपना कैंपस एस्टैब्लिश करने का डिसीजन जो उन्होंने बोला है कि अगले साल जनवरी तक कर दिया जाएगा नाउ आई होप यू कैन कनेक्ट दिस न्यूज टू प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू यू लास्ट मंथ और यू के उस विजिट के मेजर आउटकम्स में एक आउटकम यह था आई का अबू धाबी में अपने कैंपस को एस्टैब्लिश करने का प्लान आई होप आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले चार दिनों से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर हेयरिंग चल रही है तो कल हेयरिंग के चौथे दिन चीफ जस्टिस इंडिया कपिल सिब्बल को बोलते हैं कि हाँ जम्मू एंड कश्मीर के पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं अपने स्टेट स्पेसिफिक डिसीजंस लेने के लिए पर उन राइट्स को सेवंथ स्केड की स्टेट लिस्ट से कंपेयर किया जा सकता है जो इंडिया के बाकी और स्टेट्स को भी स्पेशल डिसीजन के राइट्स देता है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के और जम्मू एंड कश्मीर के इन स्पेशल राइट right से ये नहीं होता कि उस स्टेट के पास खुद की कोई सोवरेनिटी रिजर्व है जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद अपनी सोवरेनिटी कंप्लीटली इंडिया को सरेंडर कर दी थी ये न्यूज है पॉलिटियन गवर्नेंस से जैसा कि आप जानते हैं कल पार्लियामेंट का सेकेंड लास्ट डे था और कल लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन को उनके अभद्र बिहेवियर के लिए लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाता है इस सेशन में अब तक काफी लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सस्पेंशन एक हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में पता होगा इस एग्जैक्ट टॉपिक पर प्रलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यह न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि एक एपेक्स ट्यूटरी बॉडी है जो कंट्री में मेडिकल अफेयर्स को रेगुलेट करती है उन्होंने एक मेजर रेगुलेटरी चेंज इम्प्लीमेंट किया है और डॉक्टर्स को फ्रीडम दे दी है कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के साथ अनसिविल तरीके से बिहेव करता है तो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट डिनाई कर सकते हैं हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक काफी पुराना टॉपिक है जो इस समय इतना हॉट नहीं है पर आप उसके बारे में और हेल्थ मिनिस्ट्री के मेजर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह के बारे में पढ़ लें और आप अपने मिनिस्ट्री वाइज ऑर्गेनाइज नोट्स में उनको इंक्लूड कर लें ये न्यूज है इकोनॉमिक से कल आर की मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें लिए गए डिसीजन की बात करें तो आर ने अपने पॉलिसी रेट्स को चेंज नहीं किया है और वो अनचेंज्ड है 6.5 परसेंट पर और ये डिसीजन कॉन्ट्रास्ट में है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ही इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन से जिसमें उन्होंने अपने इस साल के इन्फ्लेशन एस्टिमेट को बढ़ा दिया है एस साइड नोट आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे इस इन्फ्लेशन असेसमेंट को ग्राउंड रियलिटी से अगर आपको सिचुएशनल अवेयरनेस है तो आपको पता होगा कि काफी लंबे समय से फूड प्राइसेज इन्फ्लेटेड है स्पेशली टमैटोस और इस सस्टेन फूड इन्फ्लेशन का ही इम्पैक्ट हुआ है इस कंट्री की जनरल इन्फ्लेशन पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक और स्टेप लिया है चार परसेंट से बढ़ाकर दस परसेंट कर दिया है इस कॉन्टेक्ट में आई होप आपको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कैश रिजर्व रेशियो स्ट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह और बाकी और मेजर इकोनॉमिक कंसेप्ट की नॉलेज होगी लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर सेक्शन ऑफ द डे इस सेक्शन में हम डेली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं कल पार्लियामेंट का सेकेंड लास्ट डे था और कल लोकसभा में एज एक्सपेक्टेड ओपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट कर दिया गया है और राज्यसभा में कल कुछ बिल्स को इंट्रोड्यूस और पास किया जाता है लोकसभा में कल प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करते हैं उनकी स्पीच लगभग दो घंटे तक चलती है और अमंग मैनी अदर थिंग्स वो मणिपुर को मेंशन करते हैं और बोलते हैं कि मणिपुर में शांति के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सारे जरूरी स्टेप्स ले रही है और फिर अपोजिशन को अटैक करते हुए वो कांग्रेस पार्टी की कमियों को एक हिस्टोरिकल से क्रिटिसाइज करते हैं वो अगले ही साल होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए उनकी स्पीच के दौरान ही हाउस से वॉकआउट कर देता है और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद उनसे क्वेश्चन पूछने के मौके को गवा देता है कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपनी स्पीच देती हैं और असादुद्दीन ओवैसी भी हाउस को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं जब मुस्लिम पॉपुलेशन को विक्टिमाइज किया जाता है तब ना ही दुकानदार और ना ही चौकीदार अपना मुंह खोलते हैं तृणमूल कांग्रेस की मऊआ मित्रा भी कल अपनी स्पीच देती हैं और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह को उनकी इनकम्पिटेंसी की वजह से हटाने की डिमांड करती हैं चिराग पासवान जो एल पार्टी से हैं वो इस मोशन को सपोर्ट नहीं करते और बोलते हैं कि सबको इस समय मनीपुर सिचुएशन पर कलेक्टिवली होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी भी बोलते हैं और की वजह से यह था लोकसभा का सोलवा दिन राज्यसभा में कल राज्यसभा में कल दो बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक बिल को पास किया जाता है हाउस में पैरालिसिस के दौरान यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस करते हैं ये बिल जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सिलेक्शन कमेटी की कॉम्पोजिशन को मॉडिफाई करता है फिर यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस बिल दो को इंट्रोड्यूस करते हैं ये एक माइनर अमेंडमेंट है जो देश के पोस्टल अफेयर से रिलेटेड लॉ को अमेंड करता है और फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 को इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिए जाने की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर इस बिल को वॉइस वोट से पास कर दिया जाता है और फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है ये था पार्लियामेंट का सोलवा दिन आज यानी कि फ्राइडे को पार्लियामेंट के मानसून सेशन की लास्ट सिटिंग होगी And we'll keep it. ये हमारा आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स है अभी रिसेंटली आरबीआई की मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी के द्वारा लिए गए डिसीजन हम जैसे कि पहले बात कर चुके हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग में उन्होंने पॉलिसी रेट्स को अनचेंज रखा है डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने इन्फ्लेशन के बढ़ने को एस्टिमेट किया है यह सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि अगर कंट्री में इंफ्लेशन बढ़ती है या उसके बढ़ने की उम्मीद होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट्स को भी बढ़ा दिया जाता है जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है सबसे पहले आई होप यू नो अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है इसका मैंडेट क्या है और कैसे पॉलिसी रेट्स इन्फ्लेशन से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं और इन जनरल आई होप आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी और अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स को कवर नहीं किया है और करना चाहते हैं

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने टोमैटो के हाई प्राइसेस को हेडलाइन इन्फ्लेशन में हुए के लिए किया है पर ऐसे शॉर्ट टर्म होते हैं और उनको कुछ हद तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग के लिए इग्नोर किया जा सकता है और इस ही कॉन्टेक्स्ट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एम्फोसाइज किया है कि वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी फूड इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज ना होने दें अपनी तरफ से मार्केट्स पर नजर रखकर और अगर कहीं पर डिमांड सप्लाई में ऐसा सीवियर मिसमैच हो रहा है तो वहां पर अपनी तरफ से सप्लाई इंटरवेंशन कर कर और दो हजार नोट को डिसकंटिन्यू करने के डिसीजन की वजह से बैंक के पास काफी कैश अक्यूमुलेट हो गया है और इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को कम करने के लिए उन्होंने पिछले तीन महीने में सभी कमर्शियल बैंक में जमा हुए कैश पर कैश रिजर्व रेशियो को चार परसेंट से बढ़ाकर कर दस परसेंट कर दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है ये पता होगा शक्तिकांता इंक्रीज टेम्पररी है और कुछ समय बाद कम कर दिया जाएगा और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2023-24 तेईस चौबीस यानी की इसी साल की इकोनॉमी के रियल जीडीपी ग्रोथ को 6.5 प्रेडिक्ट किया है ये बोलकर कि कुछ रिस्क हैं जो इकोनॉमी इस समय फेस कर रही है जैसे कि अन ईवन मॉनसून इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसिस में हुआ इंक्रीज फूड इन्फ्लेशन वगैरह और वो बोलते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी सतर्क है ऐसे खतरों से और अगर इकोनॉमी को इनसे कुछ खतरा होता है तो वो पॉलिसी स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन ऑन मंडे